परिवार का खुद का मंडी का कारोबार है, लेकिन हनी में कुछ अलग ही करने का जुनून था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक लॉजिस्टिक कंपनी में नौकरी से की थी। यहाँ फर्नीचर चीन से आयात होकर आता था। यह देखकर उनको ख्याल आया कि जो फर्नीचर हमारे देश में बन सकता है वो विदेश से क्यों आ रहा है। उसी वक्त उन्होंने ठान लिया और मेक इन इंडिया के दृढ़ निश्चय के साथ खुद की फर्नीचर इकाई शुरू की। मेरा नाम हनी अग्रवाल। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं एक मुंबई की प्राइवेट लॉजिस्टिक कंपनी में काम करने के लिए गया। वहाँ पर मैंने देखा कि चाइना से फर्नीचर के कंटेनर आया करते थे। उस वक्त मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इन फर्नीचर को अपने भारत देश में बनाया जाए। वहाँ से काम करने के बाद मैं मंदसौर लौटा। मंदसौर लौटने के बाद मैंने परिवार की सहायता से एक छोटा सा उद्योग प्रारंभ किया। उस उद्योग को प्रारंभ करने के बाद मुझे एक साल तक कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, जैसे कि छोटी सिटी होने की वजह से मुझे लेबर की भी काफ़ी दिक्कत थी, और मैं जो नई तकनीक चाहता था फर्नीचर को बनाने के लिए उसमें मुझे काफ़ी सारी मशीनों की आवश्यकता थी। हनी ने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगने वाली पूंजी पर जाकर गाड़ी अटक गई। ऐसे में उनके सपनों को बिखरने नहीं देने के लिए शिवराज सरकार आगे आई। हनी ने राज्य सरकार की MSME योजना के तहत आवेदन किया तो उन्हें 45 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हो गया। शिवराज सरकार से सही वक्त पर मिली मदद से हनी का बिजनेस चल निकला और आज उनका ब्रांड मार्केट में स्थापित हो चुका है। तो मुझे कुछ परिवार इष्ट मित्रों की वजह से मुझे MSME मध्य प्रदेश शासन की MSME योजना का पता लगा। उस MSME योजना का पता लगने के बाद मैंने सेंट्रल बैंक में संपर्क किया। सेंट्रल बैंक से मुझे 45 लाख के लोन की सहायता प्राप्त हुई। आज मैंने उस लोन को प्राप्त करने के बाद मैंने अपनी फैक्ट्री में नई नई तरीके की नई टेक्नोलॉजी की मशीन्स लगाई। मशीन्स लगाने के बाद आज मैं कई प्रकार का स्कूल फर्नीचर, मार्केट के लिए शोरूम डिस्प्ले रैक, सुपर मार्केट रैक, सभी प्रकार का स्टील फर्नीचर मैं अपने उद्योग में बना रहा हूँ। और आज मेरे यहाँ 17 लोगों की टीम काम कर रही है उस फर्नीचर को बनाने के लिए। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मध्य प्रदेश सरकार को भी आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हनी ने न केवल मेक इन इंडिया के सपने को साकार किया, बल्कि उन्होंने 17 लोगों को रोजगार देकर उनकी जिंदगी में खुशियां लाई हैं। शिवराज सरकार की मदद से इस मुकाम को हासिल करने वाले हनी अग्रवाल का सपना अब अपने मध्य प्रदेश के इस ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाना है।